दिल्ली बीजेपी का महामंथन बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई है। वीरेंद्र सचदेवा की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी बैठक में मौजूद रहे। पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता बैठक में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सभा को संबोधित किया। पीयूष गोयल ने दिल्ली के कार्यकर्ताओं का भी स्वागत किया। गोयल ने कहा, कार्यकर्ताओं की मेहनत की वजह से हम 7 सीट जीत पाए। दिल्ली का योगदान पीएम मोदी की सरकार बनाने में अहम रहा। मोदी सरकार की योजनाओं से देश का कायाकल्प हुआ। पीएम मोदी ने बिना भेदभाव के देशवासियों की सेवा की। पर दिल्लीवासी तो एक कदम आगे गए, दोनों, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, दोनों मिलकर लड़ने के बावजूद आपने 54% से अधिक मत लेकर तीसरी बार सातों सांसद भारतीय जनता पार्टी के जिता के एक संदेश दिया है कि दिल्ली की जनता मोदी जी के साथ खड़ी है, मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस अमृत काल में भारत को तेज गति से आगे बढ़ते देखना चाहती है। जैसा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, ये तीसरी टर्म में 3 गुना विकास करना है, ये तीसरी टर्म में 3 गुना मेहनत करनी है, ये तीसरी टर्म में 3 गुना गति से देश को आगे बढ़ाना है, ये तीसरी टर्म में 3 गुना ज्यादा काम करना है, ये तीसरी टर्म में 3 गुना ऊर्जा से हम सब काम करेंगे और इस तीसरी टर्म का परिणाम होगा कि 3 गुना देश आगे बढ़े, प्रगति करे, देशवासियों के जीवन में और अच्छी सुविधाएं मिले, ईज ऑफ लिविंग ये हमारा प्राथमिकता रहेगी, व्यापार उद्योग को और बढ़ाने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे हम काम करेंगे। और जो 4 मुख्य हमारे केंद्र बिंदु हैं, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति, इन चारों की तरफ केंद्र सरकार पूरी निष्ठा के साथ आगे भी काम करती रहेगी।